नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यू नोट जोन में। दोस्तों मैं इस समय आपके सामने खड़ी है दी ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से जिमनी का दोस्तों बेस वेरिएंट रहने वाला। ये गाड़ी दो जो है वेरिएंट्स में आई थी, जेटा एंड अल्फा, एंड ये इस गाड़ी का जेटा वेरिएंट है, यानी कि दोस्तों गाड़ी का बेस वेरिएंट है। तो 12,74,000 रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम है, यानी 12,74,000 रुपए एक शोरूम के साथ ये गाड़ी आई है। 4x4 ये गाड़ी है, इसमें कुछ एक्सेसरीज है यानी ज्यादा नहीं है। ऊपर देख सकते हैं ये रूफ रोल की जगह पे ये हुक वगैरह से लगा रखे हैं, ये जो है एक्सेसरीज रहने वाली है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले इस गाड़ी के ओवरऑल यानी डायमेंशन से लेके इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर से लेके सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मारुति सुजुकी जिमनी कहां स्टैंड कर रही है मार्केट में एज कम्पेयर टू थार। बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे देखने के लिए। जैसे कि आप ग्रिल वगैरह देखोगे तो सेम मिल जाती है, यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर मिल जाता है। बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉग लाइट इस वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं 2590 में इस गाड़ी का व्हील बेस है। बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, 210 mm आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफी आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का देखने के लिए जाता है। प्रॉपर एक 4x4 फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, बेस से लेकर टॉप में सब में आपको जो है फेंडर पे ही मिलने वाला। सामने आपके ब्लैक कलर में ही टॉप पर यानी अल्फा वेरिएंट खड़ा, तो वहाँ देख सकते हैं उसमें जो है फेंडर पे इंडिकेटर उसमें अलाउ जा जाते हैं, पर आपको इसमें जो है स्टील रिम मिलती है। टायर सेक्शन की बात करूँ, ब्रिजस्टोन के टायर हैं 195/80R15, यानी कि 15 इंच की आपको स्टील रिम मिल जाती है। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं रियर से लुक की, तो इसमें एक और चीज है जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है, यानी स्पेयर व्हील कैप देख सकते हैं, जिससे एक अल्टीमेट और बेहतरीन सी लुक जो है कॉम्बिनेशन यानी एक प्रीमियम फील जो है हो रहा है इससे। यहाँ देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक के साथ साथ ये सिल्वर फिनिश जो है इसमें स्पेयर व्हील कवर में काफी जो है बेहतरीन लग रही है, एक प्रीमियम फील हो रही है गाड़ी जो कुल मिला के। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल ग्रिप की बैजिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। टेल लाइट देख सकते हैं आपको हेलोजन बल्ब बेस्ड आपको टेल लाइट्स मिल जाती है। 4 आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जिमनी लिखा हुआ मिल जाता है। ये हो गया इसका डोर हैंडल जो कि मैट ब्लैक में मिलने वाला है, तो काफी वेट जो है इसका बढ़ चुका है इसके लगने के बाद। ये रियर में आपका डिफॉगर हो गया, ये अपनी रियर वाइपर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है इस गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर में गाड़ी अपने साथ जो है क्या क्या जो चीज है लेकर आती है। तो जैसे ही हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से जो इंटीरियर आता है, ये जो सीट्स कवर है ये एक्सेसरीज का पार्ट आप लगवा सकते हैं। तो बेस वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं डोर हैंडल है जो मेट्रो मिलेगा, ये ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा मिल जाता है, इंटीरियर प्रॉपर कुछ ऐसा मिल जाता है देख सकते हैं। और सीट्स हैं आगे पीछे हो सकती हैं और ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इन्हें आप जो आगे पीछे ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके जो है हेडलाइट लेवलिंग वगैरह के लिए बटन दिए हैं, ये आपके ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, फोल्डेबल नहीं है, इन्हें आप जो है ऑनली ऑन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको मिल जाती है, राउंड में फ्लैट बॉटम नहीं मिलेगी। ये आपके वॉल्यूम रॉकर्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और सेफ्टी वाइज दोस्तों इस गाड़ी में दोस्तों 4 आपको एयर बैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं सेफ्टी के मामले में। मीटर कंसोल की बात करूं कुछ इस तरीके का मिल जाता है, देख सकते हैं लेफ्ट में टैकोमीटर, बीच में MID है और राइट में स्पीडोमीटर है, जिसमें कि 0 to 180 तक की जो है टॉप स्पीड दी गई है। लेफ्ट में आपके वाइपर कंट्रोल है, राइट में आपके हेडलाइट के कंट्रोल है। और यहाँ देखोगे तो आपको 9 inch की टच स्क्रीन इंफ्रेंस सिस्टम मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले ऑटो वगैरह सारी चीजें जो है सपोर्ट करने वाला है। और नीचे देखोगे तो ये आपके जो है AC वेंट है, ये हैजार्ड के लिए बटन, और नॉर्मली यानी कि मैनुअली आपको इसमें AC मिल जाता है। और यहाँ पे जो है सारे बटन दिए गए, एक 12 volt की चार्जिंग सॉकेट एंड एक USB पोर्ट। एंड यहाँ देखोगे तो ये है दोस्तों आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब, एंड ये है 4x4 का गियर नॉब जो, एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, रियर के पीछे ही दिए गए, यहाँ पे नहीं दिए गए। एंड ये आपकी जो है मैनुअली हैंड ब्रेक हो जाती है। ये यहाँ पे देखोगे तो थार की तरह एक ग्रैब हैंडल दिया गया है, एक रॉ फील देने के लिए यानी पकड़ के बैठने के लिए, जिस तरीके से अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो उस कंडीशन में जो आप पकड़ के बैठ सकते हो। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्लव बॉक्स में काफी स्पेस है, अपना कुछ भी सामान इजीली रख सकते हो। यहाँ देखोगे तो मैनुअली आपका ERVM मिल जाता है इस जिमनी में बेस वेरिएंट में। यहाँ पे वेंटी मिरर, हाँ जी यहाँ भी वेंटी मिरर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे, हाँ जी वहाँ भी मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपका फिक्स है। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको इस गाड़ी की सेकंड रो की तरफ, की सेकंड रो में ये गाड़ी अपने साथ जो क्या क्या जो चीजें हैं लेकर आती है। तो सेकंड रो की तरफ चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 2590 इस गाड़ी का व्हील बेस है, उसके अकॉर्डिंग काफी स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कप होल्डर है पीछे, AC वेंट वगैरह पीछे नहीं मिलेंगे, एक लाइट आपको जरूर पीछे भी देखने के लिए मिल जाती है। ये आपका जो है ग्रैब हैंडल हो जाता है। गाड़ी में उसको 4 हेडरेस्ट है, चारों के चारों एडजस्ट है, इन्हें आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो में कुछ भी नहीं है, यानी बूट है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर होता है दिख रहा होगा, कुछ इतना बूट स्पेस ये गाड़ी अपने साथ लेकर आती है। स्पेयर व्हील की बात करूं तो स्पेयर व्हील आपको पीछे मिल ही जाता है आग की बजाय, जो कि आप देख सकते हैं ये इसका स्पेयर व्हील है। तो अब बात करते हैं उसको इस गाड़ी के इंजन की, इंजन कैसा जो है ये अपने साथ लेकर आती है। तो इसमें आता 1.5 liter का इनलाइन 4 cylinder पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको जो इंजन है उसे ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा है, यानी बोनट है उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। बोनट जो है ओपन हो चुका है, तो ये देख
सकते हैं ये दोस्तों 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 103 यानी कि 103 bhp इंजन निकाल के देने वाला है। और वहीं बात करूं मैक्सिमम टॉर्क की 136 यानी कि 136 न्यूटन मीटर सर्विस में आपको टॉर्क देखने मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है ओवरऑल देख सकते हैं इंजन की लुक। 12,76,000 रुपये इस गाड़ी का एक्सोरूम है। अगर दोस्तों आप अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो मुझे कीजिए कमेंट, विद इन 10 से 15 मिनट आपका ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो आपके ABS CVT की यूनिट्स दी गई हैं, ऊपर देख सकते हैं गत्ते वगत्ते तो नहीं है। मारुति सुजुकी के पेट्रोल इंजन है तो इंजन नॉइज वगैरह तो बाहर आने से रही। तो ये है ओवरऑल मारुति सुजुकी जिमनी का जेटा वेरिएंट यानी कि दोस्तों गाड़ी का बेस वेरिएंट। आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी, गाड़ी के साथ जो वीडियो है वो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।